सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने धार्मिक ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए धन के देवता कुबेर से जुड़ी कथा को लेकर आई हूँ। भगवान कुबेर के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ हैं जो शायद कई लोग नहीं जानते। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं हमारी आज की इस कथा व रोचक जानकारी को। आधुनिक युग में मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहता है। इन सुखों का सीधा संबंध धन से है, इसीलिए मनुष्यों में धन कमाने की होड़ लगी हुई है। कुछ मनुष्य अपनी मेहनत एवं लगन से कार्य करने के कारण धन कमाने में व्यस्त रहते हैं, तथा दूसरी तरफ कुछ मनुष्य दूसरे तरीकों अर्थात गलत साधनों की मदद से धन कमाने में जुटे रहते हैं। मनुष्य कुबेर साधना को धन वृद्धि के लिए ही करता है, और यह साधना कुछ विद्वानों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को की जाती है। कुछ विद्वानों के द्वारा कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी एवं अमावस्या तथा अन्य मतानुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि को गोवर्धन पूजा के साथ भी की जाती है। पुराणों में विभिन्न कथाओं के अनुसार महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महामुनि विश्वरवा का महर्षि भारद्वाज की पुत्री इलविला से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, तथा उनकी कोख से कुबेर ने जन्म लिया था। ब्रह्मा जी ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया। इनके द्वारा उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें उत्तर दिशा का लोकपाल बनाया, तथा इनकी पुरी अलकनंदा से ही अलकनंदा नदी निकली। इनको प्लूटो ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी में जितने भी कोश हैं सबके अधिपति कुबेर ही हैं। इन्हीं की कृपा से मनुष्य को भूगर्भ स्थित निधियों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक यज्ञांत में इन वैष्णव राजाधिराज को पुष्पांजलि दी जाती है। भगवान शंकर की इन पर विशेष कृपा है। इनकी सौतेली माताओं में पुष्पोलट से रावण, कुंभकर्ण तथा मालिनी से विभीषण एवं रामा से खरदूषण एवं शूर्पनखा उत्पन्न हुए। कुबेर की शादी मूर दानव की पुत्री से हुई, जिससे इनके पुत्र नल कुबेर तथा मणिग्रीव पैदा हुए, तथा नारद जी के श्राप से गोकुल में वृक्ष बने, तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई। इनके अनुचर यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते हैं। यह अपने पिता को छोड़कर अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी की सेवा में चले गए थे, तथा उनकी सेवा करने से इन्हें अलकापुरी तथा लंकापुरी का स्वामी ब्रह्मा एवं शिव जी द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मा ने इन्हें पुष्पक विमान तथा अमृतत्व भी प्रदान किया था। इनकी पुत्री का नाम मीनाक्षी था। इनकी पीठ में कुबड़ है, ये एक आँख वाली पिंगली कहलाती हैं। भगवती जगदम्बा उमा द्वारा श्राप के कारण इनकी एक आँख नष्ट हो गई थी। बाद में यह भगवती की पूजा करके निधियों की स्वामी बनी। इनका अस्त्र गदा है, वाहन नर है, अर्थात ये पालकी में बैठकर जाते हैं। कौटिल्य चाणक्य के अनुसार कुबेर की मूर्ति खजाने में स्थापित की जानी चाहिए। वैसे तो कुबेर का निवास वट वृक्ष कहा गया है। कुबेर धन धान्य और समृद्धि के देवता हैं। वाराह पुराण के अनुसार कुबेर की पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही की जाती है। कुबेर को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 10,000 जप करना आवश्यक है। श्वेत वर्ण, तुंदिल शरीर, अष्ट दंत तथा 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर की नगरी 70 योजन में फैली हुई है। यहाँ पर उद्यान,
झीलें तथा सुंदर महल तथा अप्सराएं रहती हैं। वहां के वृक्षों की पत्तियों के रूप में रत्न, फूलों के रूप में सुंदर अप्सराएं ही दिखती हैं। आजकल अधिकांश मणि रत्न लुप्त हो गए हैं क्योंकि आज का मानव उनके उपभोग में लगा है तथा आजकल यज्ञ दान के अवशेष का उपयोग हो यह प्रवृत्ति लुप्त ही हो चुकी है। इसीलिए कुबेर जी मनुष्य के अधिकार के अनुरूप कोष का प्रादुर्भाव करते हैं। आजकल इनकी पूजा धनतेरस को दीपावली के दिन भी की जाती है। इस प्रकार धनतेरस को कुबेर तथा धनवंतरी, चौदस को यमराज की, अमावस्या को गणेश लक्ष्मी कुबेर की तथा गोवर्धन पूजा प्रतिपदा को की जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई आज की ये कथा व रोचक जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये कथा व जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।